ना मेरे सभी भाइयों को भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कंधे को तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत भाइयों को जो कंधे होते हैं इस कंडीशन में थोड़े वीक होते हैं, तो उनकी जो मतलब बॉडी है, बॉडी की कंडीशन है वो अच्छी नहीं लगती है, बॉडी की जो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती और हमारी जो बॉडी है चौड़ी नहीं लगती है। तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा जो कि आप अपने घर पर ही फॉलो कर सकते हैं और अपने कंधे को तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से बना सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने कंधे को तकड़ा करने के लिए। तो भाई यहाँ पर हमें दो ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और हमने यहाँ पर ले रखे हैं। तो वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं, वर्कआउट से पहले वार्म अप नहीं करते हैं जिसकी वजह से उन्हें इंजरीज के चांस हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, अपनी बॉडी को गर्म करना, अपनी बॉडी को चार्ज करना, जिसकी वजह से हमारी जो मसल है वो अच्छी तरीके से वर्कआउट करने रेडी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी कंडीशन हमें इस कंडीशन में चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालना है और इस कंडीशन में बॉडी को सीधा रखेंगे और ये ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, वाइड करेंगे, क्लोज, सिलो सिलो नीचे। और यहाँ पर जब हम नीचे लेकर के जाएंगे तो अपने हाथों को ढीला नहीं छोड़ेंगे, फिर से वापस ऊपर, वाइट, क्लोज। तो हमारी जो यहाँ पर पूरी जो मसल है हमारी कंधे की अच्छी तरीके से एक्टिव हो पा रही है, सामने वाली भी, और जो हमारी ओवरऑल जो मसल है कंधे की अच्छी तरीके से ट्रेन हो पा रही है। क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं, शोल्डर का वर्कआउट तो करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होती कि हमारा शोल्डर का जो पूरा पार्ट होता है वो कौन सी मसल होती है। तो हमारा जो पूरा जो मसल है ये शोल्डर की मसल होती है और वो सोचते हैं कि हमारा ट्रैप्स ही हमारी शोल्डर की मसल है, तो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी जो कंधे हैं वो वीक रह जाते हैं और उनकी जो बॉडी इस कंडीशन में पतली पतली लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस वर्कआउट को मिस नहीं करना, मिस करोगे तो भाई आपकी जो बॉडी है बॉडी कंडीशन है वो बिगड़ने वाली है। तो इस कंडीशन में ये वर्कआउट हमें फॉलो करना है, दोबारा से देखना और साइड से आपको इस कंडीशन में देखना, सामने लेकर जाएंगे, वाइड करेंगे, क्लोज और ये स्लो नीचे, वाइड, क्लोज, स्लो नीचे। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना होगा। हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम और रैपिड से आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, मसल फेलियर तक आपको वर्कआउट करना है। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है और आपको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट लगा के बताने ताकि भीड़ ज्यादा लंबा ना हो। तो अगला जो वर्कआउट हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं, अपना हाथ यहाँ पर कमर के पास रखेंगे दूसरा, और इस हाथ से सिंगल सिंगल हाथ से वर्कआउट करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लो स्लो नीचे लाएंगे और यहाँ पर तेजी से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लो स्लो नीचे। और आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा करके वर्कआउट करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को सीधा करने की कोशिश करनी है, मतलब इस कंडीशन में थोड़ा सीधा ले जाना ऊपर, स्लो स्लो नीचे, और आपको दोनों हैंड से ही सेम वर्कआउट करना। कुछ भाई क्या करते हैं, किसी भी मसल का वर्कआउट करते हैं मतलब साइड डंपल लगाते हैं बैक के लिए, या फिर शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, या फिर बाइसेप का करते हैं सिंगल सिंगल एट से, तो थोड़ा मतलब रेपिटेशन ऊपर नीचे लगाते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना, दोनों हाथ से आपको रेपिटेशन सेम ही लगाने हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल में मतलब थोड़ा बदलाव नहीं होगा, मतलब सेम ही हमारी मसल गिरो होंगी। तो दोनों हैंड से इस कंडीशन में सेम वर्कआउट करेंगे। तो ये वर्कआउट भी हमारा फाइनल हो चुका और अब हम लगाएंगे अगला वर्कआउट, जो कि हमारी जो ये पीछे वाली जो मसल होती है, बैक के पास की जो मसल होती है हमारे कंधे की, ये वाली, इसके लिए, क्योंकि कुछ भाइयों को पता नहीं होती है कि हमारी मतलब कौन सी मसल कौन से वर्कआउट से ट्रेन होने वाली है। तो ये जो मसल हमारी इस कंडीशन में इस वर्कआउट से हमारी ट्रेन होने वाली है, यहाँ पर ईंटों को पकड़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे और ये थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे ईंटों को, सिरो नीचे और ये सिरो ऊपर। इस कंडीशन में थोड़ा साइड से वर्कआउट करेंगे जो कि हमारा जो मसल है ट्रेन होता हुआ चमक जाए। तो यहाँ पर जो हमारा जो मसल है अच्छी तरीके से ट्रेन हो पा रहा, जो हमारा कंधे का मसल है इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, सारे वर्कआउट जो यहाँ पर बता रहा हूँ, तो भाई आपकी जो कंधे की मसल है वो तकड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो बॉडी है वो चौड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप गली मोहल्ले में कहीं पर भी जाओगे, टी शर्ट वगैरह पहनेंगे, तो भाई लोग कहेंगे यार इसकी बॉडी कितनी चौड़ी लग रही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी अपने कंधे को तकड़ा करने के लिए। तो ये वर्कआउट भी हमारा फाइनल हो चुका और अब हम लगाने वाले हैं लास्ट और फाइनल वर्कआउट, जो कि हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर ईंटों को पकड़ा इस कंडीशन में और ये चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालेंगे और ये ऊपर लेकर जाएंगे, सिलो नीचे और फिर हाफ लेकर जाएंगे इस कंडीशन में और फिर से ऊपर लेकर जाएंगे पूरा। इसी कंडीशन में दो वेरिएशन के साथ ये वर्कआउट हमें फॉलो करना, पहले पूरा ऊपर जाएंगे इस कंडीशन में, यहाँ पर होल्ड करेंगे, सिलो नीचे और फिर हाफ, थोड़ा हाफ, फिर नीचे, फिर पूरा ऊपर और फिर से हाफ इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपकी जो कंधे की मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगी और आप अच्छी डाइट लोगे तो भी आपकी जो मसल का साइज है वो गिरो होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ भाई क्या करते हैं, वर्कआउट तो कर लेते हैं पर अच्छी तरीके से डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो मसल का साइज है वो गिरो नहीं हो पाता है, यानी कि मसल का जो साइज है वो नहीं बढ़ पाता है। तो भी आपको वर्कआउट से काम नहीं चलने वाला, डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, जब भी आपकी जो कंधे की मसल है वो अच्छी तरीके से मतलब तकड़ी होने वाली है, गिरो होने वाली है। कुछ भाई क्या करते हैं वो मतलब कमेंट भी करते हैं और भाई बताते भी हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मतलब वर्कआउट भी अच्छा करते हैं, दोनों टाइम वर्कआउट करते हैं,
तो भाई वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो अच्छी तरीके से डाइट नहीं लेते अपनी बॉडी को, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी मसल को बड़ा करने के लिए, वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करना जब हमारी मसल ग्रो होगी, क्योंकि हमारी मसल की जो डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट ही हमारी मसल की डाइट है। अपनी मसल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको डाइट अच्छा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वर्कआउट को फॉलो करो, अच्छी डाइट लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता है तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक प्लानी है कमेंट के थ्रू हमें लिख के आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।